दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ प्लीज मुझे मायके जाने दो। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। माया तुम घर कब आओगी? कितने दिन हो गए? 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। अब तो मुन्ना भी 2 साल का हो गया। एक बार उससे नाना नानी को मिलवा तो दो। शोभा जी ने अपनी बेटी माया से रोते हुए कहा। माया बोली, आप सही कह रहे हो माँ, मगर आपको पता है ना, मुझे कोई भेजने को तैयारी नहीं होता है। बात करूंगी तो झगड़ा ही होना है। रवि को भी नाम नहीं सुहाना, सब कहते हैं। जब भी जाती है कुछ लेके नहीं आती और बच्चा बीमार हो जाता है। ताने मारे बिना यहाँ की सुबह भी नहीं होती। आप आने की बात करती हो फिर भी बात करके देखती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, फोन रखती हूँ। इतना कहते हुए माया रोने लगी। इतने में रवि आया। क्या हुआ है, सुबह सुबह क्यों रोने बैठ गई? माया बोली, मम्मी का फोन आया था, उनको याद आ रही है मुन्ने की। प्लीज एक दिन के लिए भेज दो ना, उनका भी तो हक है मुन्ने पर। रवि बोला, यार अभी सुबह सुबह मायका राग मत सुनाओ। सुटकी की शादी है अगले महीने, उस पर ध्यान लगाओ। बहुत काम है, शादी का कार्ड देने जाए तब चले आना मेरे साथ, 1 घंटे मिल लेना। अब फटाफट काम में लगो। इतना कहते रवि कमरे से चला गया। माया भी सब भूल ननद की शादी की तैयारी में लग गई। सुटकी रवि की इकलौती मगर लाडली बहन थी। माता पिता की कमजोरी सबकी सुबह उसी से होती थी। सब उसके आगे पीछे भागते थे। सभी भी नकराली थी, कुछ काम नहीं आता था एक ही शहर में। रिश्ता भी पक्का हुआ, आखिर एक दिन सुटकी की शादी भी हो गई और मोना भी इस आपाधापी में बीमार हो गया। 3 से 4 दिन डॉक्टर को दिखाने के बाद मुन्ना ठीक हुआ। सुटकी शादी के बाद एक दिन पग फेरे की रस्म को निभाने के लिए आई। उसके बाद सुटकी पर भी सास ससुर ने मायके जाने की जैसे रोक लगा दी। रवि और उसके माता पिता ये सब सहन ना कर पा रहे थे। सब सुटकी से फोन पर ही बात कर पाते। एक दिन पता चला कि सुटकी माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश हुए। रवि ने सुटकी की सास को सुटकी को कुछ दिन मायके में छोड़ देने को कहा। सुटकी की सास ने कहा, 100 में ले आएगा मिलने, घंटे भर के लिए मिल लेना और साथ में वापस ले आएगा। आप लोग ध्यान ना रखो और मेरे होने वाले पोता पोती को कुछ हो जाए तो अभी हम रहने नहीं भेज सकते। रवि ने ठीक है कहते हुए फोन रखा। सुटकी आई मगर पति सोम के साथ होने से दिल का दर्द भी नहीं बता पाई। अब सुटकी को समझ आ गई थी, वह अपनी भाभी का दर्द समझने लगी थी। उसने एक दिन अपनी माँ और भाई से इस बारे में बात की। उसने कहा कि अगर हम भाभी को नहीं भेजते तो उनके माता पिता और भाई भी ऐसे ही रोते होंगे ना, वो भी उनको याद कर रोती होगी। उनका भी मायके जाकर कुछ दिन रहने का मन करता होगा। नाना नानी ही मुन्ना के, वो भी आपके जितना ही ख्याल रखेंगे जैसे आपको लगता है कि आप मेरा ख्याल रखोगे। बस मुझे ये बात अब समझ आई तो आप लोगों को समझा दी। आप लोग भाभी के साथ सही रहो तो शायद आपकी बेटी भी कभी आपके पास आ पाए। रवि और उसके माता पिता को अपनी गलती का बड़ा पछतावा हुआ जो वो अपनी बहू के साथ करते थे। आज वही उनकी बेटी भी भुगत रही थी। सब फटाफट फोन रख माया से माफी मांगने गए और रवि को 1 महीने के लिए
माया को मायके छोड़ने को कहा। अब सब बदल गया था, रवि और माया के सास ससुर खुद भी माया के घर बात करते और माया से प्यार से कहते कि बहू तुम्हारे मायके से फोन है, पहले बात कर लो बेटा। उधर सुटकी ने भी सोम को समझा कर अपने सास ससुर को बात समझाई। अब सुटकी भी अपने मायके बिना किसी तनाव के खुशी से भेजी जाती थी। सब खुश थे, सस ही अगर हम अपनी बेटी को राजकुमारी समझते हैं तो ये भी सच है कि आपके घर की बहू भी किसी की राजकुमारी रही होगी। इसलिए दोस्तों, जैसा हम अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, वैसा ही अपनी बहू के बारे में सोचना सही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।